गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज जो है अपन जो है मैं अकेला ही फिलहाल, अक्षय तो नहीं आ रहा है। आज हम जो जा रहे हैं रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, अच्छा के देख सकते हैं। फिलहाल सबके लिए जो है मैंने पैकिंग कर लिया है, देख सकते हैं। ये वाला जो है मैंने बैग में जो मेरे कपड़े जो एक्सेसरीज थे वो, जैसा कि मेरा गोप्रो है, मैंने हेलमेट जो था मैं पुराना हेलमेट चेंज करके नया सेटअप बनाया हूँ, आप देख ही सकते हैं। यहाँ वो जो पुराना हेलमेट था वो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था वो, क्योंकि वो फिटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइट बैठ रहा था मुझे, लेकिन ये वाला जो है करेक्ट एकदम सही है फिटिंग के लिए, तो मैं ये चूज़ किया हूँ। तो लगभग 2 दिन का कुछ ट्रिप होने वाला है, तो निकल रहा हूँ फिलहाल। तो क्लाइमेट काफ़ी ये है, मैं दिखाता हूँ ठहरिए आपको बाहर कैसा है क्लाइमेट फिलहाल। जैसा कि देख ही सकते हैं काफ़ी बारिश हो रही है, अभी तक तो नहीं थी, अभी फ़िलहाल चालू हो गई है। और क्लाइमेट में आप देख सकते हैं ऊपर जैसा कि काफ़ी बादल भी छाए हुए हैं। जैसा ही बारिश रुक जाती है, अभी तक तो बारिश नहीं थी, कैसा अचानक से आ गई वो तो नहीं मालूम क्यों ऐसा हुआ। मैं जब भी मुझे निकलना था लेकिन मैं लेट करा। अब फिलहाल जो हो रहे हैं टाइम 11:07 हो रहे हैं, एक्चुअली मुझे जल्दी निकलता, मेरे गलती की वजह से ऐसा हो गया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी जो है अपन जो है इसमें है रेनकोट भी रख दिया है, कुछ टेंशन ही नहीं है इसके बाद क्यों मैं भीगूंगा वो करूंगा। तो सीधा क्या है, जैसा बारिश रुकती है अपन निकल चलते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं फिर आपसे सब लोगों से रास्ते में। हेलो गाइस, जैसा देख सकते हैं मैं राइड पे हूँ, फिलहाल के लिए तो जा रहा हूँ। ये जो है नया मेरा व्लॉगिंग सेटअप जो मैंने वेगा पे लगाया है, तो थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका जो मैंने सेटअप किया था इसमें जो मुझे माउंट जो था लेंथ ऐसा लंबा वाला जो लेंथ वाला एक माउंट आता है वो मुझे कम पड़ गया था, मैंने उसे एडजस्ट करके ऐसा ही फिटिंग किया है। होप कर रहा हूँ कि जो सामने का रोड जो है सही तरीके से दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है, मैं बस उतना ही सोच के चला हूँ करेक्ट होगा बोल के। एक्चुअली जब मैं सामने का जब वाइजर खोलता हूँ तो थोड़ा कैमरा जो है आगे चले जाता है, फिर मुझे उसे हाथ से पीछे लेना पड़ता है। आई टू डोंट नो, देखना अब मैं जब पहुँचूंगा रीच हो जाऊँगा तो जब सीन कैसा आएगा। तो गाइस जैसा कि अब निकल रहे हैं, मैं बाईपास पे हूँ, वाला जो है हुबली बेंगलुरु शोलापुर बाईपास, तीनों रोड ऐसे लगते हैं। तो आज हम जा रहे हैं शोलापुर के लिए, लगभग 105 किलोमीटर यहाँ से है, तो 100 किलोमीटर्स की राइड हो जाएगी, तो चलते हैं। तो प्यारी सी मिनी कूपर कंट्रीमैन चले गई साइड में से, राइट वाली जो चले गए, देखने के लिए काफ़ी खूबसूरत और सही भी दिखती है यार गाइस, और पावरफुल इंजन भी है। और भाई मैंने तो इसमें रेनकोट भी मैंने रखा है, जो फ्लू वाला आता है मैं वो भी कैरी कर रहा हूँ अपन के बैग में जो है, क्योंकि आगे भरोसा नहीं है अभी तो। फिलहाल देख सकते हैं क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है और सुहाना भी है, और बारिश होने के भी चांसेस देख सकते हैं, थोड़ा बादल वगैरह। मैं सुबह से तो बारिश ही हो रही थी, मैं जल्दी निकलना बोल के सोचा था। मुझे डर जो है इस बात का है कि कहीं पुलिस वगैरह ना पकड़ लें चेक पोस्ट पे। वैसे तो अपन के पास तो डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, A to Z मैं रख के ही चलता हूँ हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी कोविड का कुछ प्रॉब्लम ना हो मैं वो सोच रहा हूँ। ऐसा तो वहाँ पे काम भी है मुझे वहाँ पे शोलापुर में, इसलिए तो जा रहा हूँ, वो रीज़न भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन पुलिस वालों में कुछ भरोसा नहीं रहता है यार गाइस, वो जैसा अपनी मर्जी चाहें वैसा वो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम वॉइस जो है कम से कम क्लियर आ रही होगी, क्योंकि विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है आज, और जो अपन की गाड़ी है एकदम स्मूथ चल रही है, और बारिश ना हो मैं यही दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा कैमरा है उसमें मैंने वाटरप्रूफ केसिंग नहीं लगाया है, उसमें अगर वाटरप्रूफ में केसिंग नहीं लगाऊंगा तो खराब हो जाएगा कैमरा मुझे चला, अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
बस यही दुआ कर रहा हूँ कि ना हो। और गाइस जो है कैसे अनपढ़ जात के लोग हैं यार ये। ओ कल यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना। सही है सही है सही है। हाँ मैं देखा गाइस कि ये ट्रैक्टर वाला जा रहा था बोलते सामने से, और ये पीछे वाला लॉरी वाला आगे उसे डाल दिया। कोई सीरियस इंजरी नहीं है, बस माइनर कुछ लगा है बोल के सुना हो। टीवी में आ रहा था न्यूज़ में तो मैं देखा। और रोड भी कितनी प्यारी है, फ्लाईओवर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई पे मैं जो लोनावाला से लेके तो पुणे से पकड़ लो, पुणे से लेके जो मुंबई का जो रास्ता है जो वहाँ पे हाईवे है सेम ऐसा ही है, लेकिन इससे थोड़ा बेहतरीन है, लेकिन फिर भी ऐसा फीलिंग ये जो रोड है उतना देती है। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि बस धूप चढ़ी भी रहे, धूप रहेंगी तो अच्छा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे काफी हैवी ट्रैफिक, कुछ नहीं कर सकते इस लाइन में क्योंकि साइड में रोड नहीं बनी है ना, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक रहता है। और यहाँ से लेफ्ट साइड में ओवरटेक करना भी रिस्क का काम है, राइट में से अगर खुला मिलेगा तो निकाल लूंगा। अपन की धुन काफी फास्ट है यार, और मैंने काफी मेंटेन करके रखी हुई है। ओ एनएस राइडर है अपन के बाजू, इसे तो मैं आगे नहीं जाने दूंगा यार, इसका भी एबीएस वगैरह सब है। शायद राइट में लेना है यहाँ पे। हाँ अरे स्ट्रेट जा रहा है ना ये, स्ट्रेट हम भी चलेंगे स्ट्रेट पर। अरे 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 बस राइडर्स लोग का यही प्रॉब्लम रहता है यार, जो जो राइडर रहते हैं वो ब्रेकर्स वगैरह देखते नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। अरे काफी आसानी से पीछे पड़ गया है यार, भगवाने में मजा नहीं है। ओ पीछे आ रहा है बंदा, तो थोड़ा आगे जाने देते हैं यार। अरे जान है यार भाई, आगे चले जाए यार, पीछे चले जाए यार, पे काफी पीछे है यार। अगर ये थोड़ा सा ओवरटेक कर लेंगे तो मजा आएंगी, ओवरटेक ही नहीं कर रहा है भाई, शायद उसका हैवी ड्राइवर नहीं होगा। हाँ लेफ्ट का जो मिरर सही है, राइट का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, तो राइट में थोड़ा मैं सीधा कर लेता हूँ। अरे नहीं यार काफी नजदीक हो गया, शिट मैन, यार इसके जो मिरर हैं कब कब भी अच्छा विजन नहीं देते हैं। चलो नो प्रॉब्लम, हम सेटिंग करके कर लिए। क्या उड़ा रहा भाई, मैं डीजल डाल को चलाते हैं, क्या डाल को चलाते हैं तुमने गाड़ी में। अबे रुकाया क्यों है यार, अरे शिट सामने गाड़ी है ना, अब पीछे भी ट्रक है यार एक, पहले ओवरटेक करता हूँ यहाँ से। काफी पसीना आ रहा है यार हेलमेट में यार,
आप देख सकते हैं एकदम इतना धूप पड़ गई है यार गाइस यहाँ पे। अभी तक तो छावनी छावनी थे यहाँ पे, बादलों थे। अरे यार रोड जब ओपन है तो हम लोग निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। गाइस अगर इस पर मैं जो है सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा, ये मैं जो सेटअप किया हूँ कैमरा, लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि मुझे सोलापुर निकलना था, इसलिए मैं निकल लिया तो इसमें मैं नहीं बना पाया। इंशाल्लाह जब आएंगे रिटर्न, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी सोलापुर की, जब मैं तो कुछ बनाने का जब है फ्री हो जाऊंगा तो सोचूंगा। तो मैं देख सकते हैं हम अनिल चाय जो है वहाँ पे, अनिल चाय है वहाँ पे हम पहुँच गए। जब मैं तंदूरी चाय पीने आया था उसके बाजू वाला ही अनिल चाय है, उसके बाद तो मैं कभी आया ही नहीं यहाँ पे। अभी उतना मजा नहीं रहा है यार। और जो यहाँ पे राइट साइड में ढाबा है, ये मेरा फेवरेट ढाबा है यार गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे राइट में जो गया जम्मू ढाबा, वो एक ढाबा है, काफी बेहतरीन खाना बनाता है यार, मुझे काफी अच्छा लगता है उसके पास खाने के लिए। और जब भी हम जाते हैं तो जो सर्विसिंग है, जो सर्विसिंग बोलता हूँ, जो सर्विस है जो फास्ट फास्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं, अगर अर्जेंट रहा तो भी खा सकते हैं आराम से बैठ के, ये मुझे पसंद है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अब मुझे राइड का एंजॉय करना है। काफी दिनों के बाद राइड पे निकला हूँ तो आप भी थोड़ा एंजॉय कीजिए। तो गाइस लगभग मैं अब फिलहाल के लिए तो 30 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। वो हो वॉक्सवैगन फोर लो, काफी खूबसूरत गाड़ी है, देख सकते हैं गाइस ये जब नया एनएस जो ये वाला बना है, तो सब खूबसूरत बहुत 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 बेहतरीन बना है, बहुत बेहतरीन। राइड करके इतना मजा आ रहा है आज, देख सकते हैं काफी सारे पहाड़ वहाँ पे, और राइट साइड में भी काफी अच्छा जो फ्लाईओवर है रिसेंटली बना है, पहले इतना खूबसूरत नहीं दिखता था, अब देख सकते हैं काफी बेहतरीन दिख रहा है। मजा आ गया आज गाड़ी चला के यार। और जो मिट्टी की जो खुशबू आ रही है गाइस, बोलता हूँ यहाँ से शायद हल्की सी बारिश हो गई होगी, लेकिन जो हल्की से जो खुशबू आ रही है वो काफी बेहतरीन है मेरे ख्याल जी। गाइस मेरा जो डिसएडवांटेज है, मेरा मोबाइल होल्डर अभी तक नहीं बताया है, जब मोबाइल होल्डर बताऊंगा तो गूगल मैप वगैरह अगर कहीं पे जाऊं, अगर गूगल मैप, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई आओगे क्या यार, बोला था ना यार गाइस मेरे यहाँ पे बारिश हुई है। अरे यार पानी उछल गया यार घर पे, मेरे ख्याल से होरती है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन पक्का नहीं है क्योंकि मैं रियर में जब भी आता था कार में आता था तो उतना टेंशन नहीं लेता था, जो आज मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो। और काफी रूट भी चेंज हो गया है यार गाइस, देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा ये बनाया है लोगों ने, और ऊपर जो है ऐसा ऊपर जाने के लिए फ्लाईओवर भी है, ये जो अंडर थोड़ा डिफरेंट थोड़ा दिख रहा है मुझे रूट भी, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। तो ठीक है मैं जब स्टॉप करता हूँ कहीं पे भी बाइक तो जब मिलता है, या फिर अगर कुछ सीनरी वगैरह रहा, जैसा कि मुझे लगा कि आप अगर मैं देख रहा हूँ आपको भी देखना चाहिए तो मैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुका था, काफी देर से ड्राइव भी कर रहा था और हवा भी काफ़ी दिखी है, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी भी अपन की थी भी तो काफ़ी हीट भी हो चुकी थी, देख सकते हैं टायर वगैरह। अपन का जो हेलमेट है ये वाला है, मैं ऐसे थोड़ा ऐसे और थोड़ा चेंजेस की ज़रूरत है क्योंकि मैं जब भी ऐसा स्ट्रेट कर रहा हूँ तो थोड़ा ये सा बेंड हो रहा है, तो इसका थोड़ा कस्टमाइज करने की थोड़ा और थोड़ी ज़रूरत है। देख सकते हैं आप मेरे बाल हेलमेट पहनने की वजह से कैसे हो चुके हैं,
काफ़ी इसमें थोड़ा पसीना हो, शायद छूटने के लिए स्वेटिंग हो, कि थोड़ा मेरे बाल भी स्मूथ हो चुके हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि ये हेयर फॉल एक होता है, इससे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी मज़ा ही आज राइड करके। तो अब मैं खाना वगैरह तो नहीं खाया हूँ, इसके बाद ज़रा जाके देखता हूँ कहीं पे। खाना तो मैं सीधा शोलापुर में ही खाऊँगा फ़िलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कहीं पे टी पॉइंट वगैरह मिल जाए, जो थोड़ा मैं टी वगैरह पी के या फिर थोड़ा अच्छी चाय की चुस्की लेके उसके बाद निकलते हैं। तो चलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ, ऐसे निकलते हैं। फिर देख सकते हैं काफ़ी खेती वगैरह है यहाँ पे। यहाँ पे जो है सामने मैं दिखा सकता हूँ, बैक साइड में दिखाता हूँ आप सबको। यहाँ पे जो पीछे साइड पे जो है हाईवे बन रहा है अभी, लेकिन फ्लाईओवर का काम नहीं हुआ है, इसके बाद होगा शायद। लेकिन अपन का जो हेलमेट है काफ़ी बेहतरीन काम किया है आज। तो ठीक है गाइस, चलते हैं सीधा, तो मिलते हैं आप सबसे फिर रोड पर।